नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आशा रांची और झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट और तिरुपति संस्था के तत्वाधान में बोकारो के परिसदन में डायन प्रथा के खिलाफ लोगों को जागृत करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोकारो के पुलिस उपाधीक्षक नगर कुलदीप कुमार ने भाग लिया। साथ ही बोकारो जिले के विभिन्न महिला समाज सेवियों ने भी इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। इस सेमिनार के माध्यम से आशा रांची और झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के द्वारा एक लघु फिल्म के माध्यम से डायन प्रथा के खिलाफ लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, यह बताया गया। यहां पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक नगर कुलदीप कुमार ने कहा कि डायन एक सामाजिक कुरीतियों के तहत एक शब्द है, जिसका इस्तेमाल कर लोग महिला या पुरुष के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि वह डायन है और हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में डायन प्रताड़ना का मामला आता है। इसके रोकथाम के लिए सबसे अहम बात यह है कि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की मानसिक उत्थान करना, लोगों में यह मैसेज देना कि डायन प्रथा को लेकर बड़े कानून बनाए गए हैं, यह बताना, लोगों में जागरूकता फैलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बैठक करना, ग्राम सभा करना, यह सारी चीजें करने से लोगों में डायन प्रथा के खिलाफ जागरूकता आएगी और इस पर रोकथाम हो सकेगी। डायन एक सामाजिक कुरीति के तहत एक शब्द है जिसको लोग यूज करते हैं और उस किसी महिला हो या पुरुष हो जिस पर एक आरोप लगाते हैं कि ये डायन है और यही कुछ परिवार में कुछ समस्या, बीमारी या कुछ प्रकार से जादू टोना करके की है। मैं खुद अपनी पहली पोस्टिंग मेरी जब खूंटी थी, खूंटी में मैं रहा, मेरी दूसरी पोस्टिंग गुमला हुई, जहाँ पर डायन प्रथा को लेकर काफ़ी घटनाएँ होती थी। डायन कहकर या डायन किसी को घोषित करना, उसके साथ मारपीट होना या किसी समय उसकी डायन करके हत्या कर देना, तो इसके लेकर सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर कि डायन को, डायन प्रथा या डायन कहने की जो प्रचलन है वहाँ ज़्यादातर पाया जाता है, इसमें लोगों का मानसिक उत्थान करना, लोगों में मैसेज देना, बैठक करना, ग्राम सभा करवाना, वहाँ पे लोगों में आपस में बातचीत करना, लोगों से एक चीज का एक इंडिकेशन जरूर है। वी टाइम न्यूज के लिए बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट।